हेलो एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स गाइस आई एम हियर बिफोर यू ऑल विद अ वेरी यू नो प्रोमिनेंट न्यूज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट अ वेरी यू नो ब्रेकिंग न्यूज दैट यू कैन से ब्रेकिंग लीगल न्यूज वेयर इन कलकत्ता हाई कोर्ट हैज सेड द डिविजन बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट हैज सेड दैट the woman should stop their sexual urge, the woman should stop their sexual desire and must not give in for the 2 minutes of satisfaction and pleasure. She must respect her dignity, her bodily privacy and autonomy. Right? इस केस को समझते हैं. कल मतलब वेंसडे को कलकत्ता हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच का एक फैसला आता है और डिवीजन बेंच के जो जज है मैं उनका नाम बताता हूं आपको चित्तरंजन दस एंड पार्थ सारथी सेन ये दोनों जज डिवीजन बेंच के थे और केस का नाम है प्रभात वर्सेस जो वेस्ट बंगाल में बोलते हैं नाम होता है प्रोभात वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और इसमें एक इस केस में द कलकत्ता हाईकोर्ट द डिवीजन बेंच acquitted the minor youth I am using the word acquitted a youth who was convicted for raping a minor girl with whom he had a romantic affair Calcutta High Court Division Bench acquitted a youth and he for raping a minor girl with whom he had a romantic affair समझते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि एडोलेसेंट गर्ल्स शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्जेस एंड एडोलेसेंट बॉयज शुड रिस्पेक्ट यंग गर्ल्स सबसे पहले एडोलेसेंट को ही समझते हैं एडोलेसेंट का मतलब क्या है WHO कहता है कि 10 साल के बाद और 19 साल के पहले का जो एज है वो एडोलेसेंट एज है That is, you know, the transitional growth, the transitional phase between, say, childhood and adulthood. Generally, 13 से 18, 19 साल के बीच को बोलते हैं हम लोग normal connotation में. लेकिन WHO 10 से 19 के बीच को कहता है. कह रहे कि childhood से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन adulthood से थोड़ा कम है. उसको कह रहे adolescent. तो एडोलेसेंट बॉयज और एडोलेसेंट गर्ल्स दोनों के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बात किया और बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में सारे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि सेक्सुअल डिजायर डेवलप कैसे होता है कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्स इज अ वेरी नॉर्मल थिंग बट सेक्सुअल अर्ज इज नॉट अ नॉर्मल थिंग सेक्सुअल अर्ज कैसे डेवलप होता है सेक्सुअल अर्ज डेवलप होता है जब आप कोई उस तरह का मटेरियल पढ़ते हो आपका कॉन्वर्सेशन होता है विद द अपोजिट पार्टनर विद द पर्सन फ्रॉम अपोजिट सेक्स आप उस तरह के कंटेंट को व्यू करते हैं उस तरह के एरोटिक मटेरियल्स को पढ़ते हैं तो सेक्सुअल अर्ज डेवलप होता है वो सेक्सुअल अर्ज नॉर्मेटिव नहीं है नॉर्मल नहीं है उसको रोकना है और बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि एडोलेसेंट बॉयज को यंग गर्ल्स के प्रिवेसी को डिग्निटी को उनके सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट करना है एंड एडोलेसेंट गर्ल्स को बोला कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि उनको अपने सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना चाहिए दे मस्ट कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज दे मस्ट नॉट गिव इन I am repeating, ये बड़ा important breaking line है. They must not give in for the 2 minutes of pleasure, for the 2 minutes of sexual satisfaction. Calcutta High Court ने बोला कि in the eyes of the society, the girls are the loser. Calcutta High Court ने ये भी बताया कि testosterone जो लड़का का होता है, वो libido में, men में किस तरह से formation होता है, gland का क्या role है?
टेस्टिस कैसे मतलब कि वो किस तरह से ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करता है, और टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है तो सेक्सुअल डिजायर आता है, और लड़कियों में किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इन सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है बायोलॉजिकली भी। लेकिन हमें बायोलॉजिकली वाले पे जाना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें लॉ के पॉइंट पर क्या क्या बातें की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कियों के लिए दो तीन पॉइंट्स, तीन चार पॉइंट्स बोला है कि ड्यूटीज ऑफ एडोलेसेंट फीमेल्स क्या क्या है। पहला ड्यूटी बोला है कोर्ट ने कि प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी। ये फीमेल का खुद के लिए ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसे अपने बॉडी के इंटेग्रिटी को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि उसकी जो बॉडीली इंटेग्रिटी है उसको कोई वायलेट ना करे। दूसरा है प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ, उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, जो सेल्फ वर्थ है, जो इज्जत है, उस पे आंच नहीं आने देनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तीसरा है थ्राइव फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अर सेल्फ ट्रांसेंडिंग जेंडर बैरियर्स, उसको खुद के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपने जेंडर बैरियर को क्रॉस करना चाहिए, उसको उस निगाह से नहीं देखना चाहिए जहां से सेक्सुअल अर्स का डेवलपमेंट हो। चौथा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे लीगल सर्कल में ये घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज कंट्रोल द सेक्सुअल अर्स एज इन द आईज ऑफ सोसाइटी सीज द लूजर। आई एम रिपीटिंग, एज इन द आईज ऑफ द सोसाइटी सीज द लूजर व्हेन सी गिव्स इन टू एंजॉय द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ हार्डली 2 मिनट्स। 2 मिनट के सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल प्लेजर को एंजॉय करने के लिए वो अपने डिग्निटी को भूल जाती है, और वहां पर वो खुद लूजर होती है, वो सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाती है, सोसाइटी के नजर में वो लूजर है, तो उसको सेक्सुअल प्लेजर को जो कि हार्डली 2 मिनट्स का है उसको कंट्रोल करना चाहिए। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बोला प्रोटेक्ट हर राइट टू ऑटोनोमी ऑफ हर बॉडी एंड द प्राइवेसी। ऑफकोर्स दैट इज ऑटोनोमी ऑफ हर बॉडी, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी है भैया, उसकी बॉडीली, उसके बॉडीली पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स जो है, उसका जो फिजिक्स जो है वो उसका है, सिर्फ उसकी प्राइवेसी है, उस पर कोई भी इंसान किसी भी तरह से उसको वायलेट नहीं कर सकता, उसको इनक्रोच नहीं कर सकता है, राइट। तो ये पांच एडोलेसेंट फीमेल्स के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने ड्यूटीज बताए हैं, और मेल्स के लिए भी ड्यूटीज बताए हैं कि मेल्स के लिए क्या ड्यूटीज है। बताया गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ अ मेल एडोलेसेंट टू रेस्पेक्ट द अफोरसेड ड्यूटीज ऑफ अ यंग गर्ल। जो अभी मैंने पांच ड्यूटीज बताया वो सारे ड्यूटीज को, सारे एडोलेसेंट मेल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि हमें एक लड़की पे गलत निगाह नहीं रखना चाहिए, उसके बॉडीली ऑटोनोमी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके डिग्निटी को, प्राइवेसी को, इंटेग्रिटी, बॉडीली इंटेग्रिटी को, सेल्फ वर्थ को, सबको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद बोला कि एंड ही शुड ट्रेन हिज माइंड, द एडोलेसेंट बॉय शुड ट्रेन हिज माइंड टू रेस्पेक्ट अ वूमन। जैसा कि मैंने बताया, हर सेल्फ वर्थ, हर डिग्निटी एंड प्राइवेसी एंड राइट टू ऑटोनोमी ऑफ हर बॉडी। इसके बाद है सेक्स एडुकेशन एंड पेरेंटल गाइडेंस। कोर्ट ने कहा कि चैरिटी शुड ऑल्सो बिगिन एट होम, राइट, एंड पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट टीचर्स। पेरेंट्स का भी रोल है कि पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को यह सीखना चाहिए, लड़कियों को यह समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए, लड़कों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, लड़कों को भी बताने की जरूरत है, समझाने के लिए की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। और इसके बाद एंड एडुकेशन टू चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए भी पेरेंटल गाइडेंस के बारे में बात किया कि पेरेंट्स को, गर्ल्स को भी बताना चाहिए कि बैड टच क्या है, बैड साइंस क्या है, बैड एडवांसेस क्या है, बैड कंपनी क्या है, इज नेसेसरी स्पेशली विद एम्फेसिस ऑन देयर हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू हैव सेक्स एट एन एज नॉट सैंक्शन बाय लॉ। क्योंकि लड़कियां जो सेक्स कर रही है उसके लिए कोर्ट भी अलाउ नहीं कर रहा भैया, कोर्ट भी बोल रहा है
कि आप मतलब कि बिना अडल्ट के आप मतलब 18 साल के पहले शादी नहीं कर सकते तो सेक्स कैसे कर सकते, तो दैट इज नॉट सैंक्शन बाय लॉ। तो कोर्ट का कहना है कि माता पिता को भी लड़कियों को एडुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बैड एडवांसेस क्या है, बैड टच क्या है, किस तरह से आपके बॉडी इंटेग्रिटी को लोग वायलेट करते हैं, ये पता चलना चाहिए। ये पेरेंट्स को भी बताना चाहिए बैड साइंस क्या है, बैड टच क्या है, बैड एडवांसेस क्या है। एंड जो एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन है, इसके बारे में बताना चाहिए, जो मैंने बता दिया अभी आपको कि बैड टच क्या है, बैड एडवांसेस वगैरह क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि हाउ टू कीप डिग्निटी ऑफ अ वुमन, हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ बॉडी ऑफ अ वुमन, एंड हाउ टू बिफ्रेंड अ वुमन विदाउट बीइंग अराउज्ड बाय सेक्सुअल अर्ज, और इवन इफ देयर इज एडवांसेस फ्रॉम द अदर साइड टिल ही बिकम्स कैपेबल टू मेंटेन अ फैमिली। लड़का को लड़की से दोस्ती करनी चाहिए लेकिन सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना चाहिए, सेक्सुअल अर्ज को अराउज नहीं होने देना चाहिए। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोला है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह भी बोला, द फैमिली वेयर अ चाइल्ड इज देयर, दे शुड मेंटेन सच अ कंड्यूसिव एटमोस्फेयर इन द हाउस दैट नो किड्स ग्रो अप बिलीविंग दैट इट इज ओके टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ अ वुमन। We should never ever think that only a girl is subject to abuse because there is no escape for a boy even nowadays. कहना है कोर्ट का कि घर में भी एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि उसको इस तरह से नहीं, उसका ग्रोइंग अप ईयर्स होना चाहिए कि उसको लगे कि ये बड़ा ही आसान काम है, लड़की के इज्जत को लूट लेते हैं, उसको वायलेट कर देते हैं, उसके प्राइवेसी को, उसके डिग्निटी को, इस तरह का माहौल नहीं देना चाहिए, इस तरह से उसको ग्रो अप नहीं करना चाहिए, राइट? और इनफैक्ट लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करना तो खैर गलत है ही है, और लड़का को ये ऐसे भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आजकल लड़के भी सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हो रहे हैं नाउडेज, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है माय डियर व्यूअर्स, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस तरह का लीगल ब्रेकिंग आना हमारे पूरे लीगल फ्रेटर्निटी में सर्कुलेट हो जाता है, वायरल हो जाता है। दैट इज, इसका ब्रेकिंग लाइन हमारा यही है दैट एडोलेसेंट गर्ल्स शुड नॉट गिवन, शुड दे शुड कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्ज इंस्टेड ऑफ गिविंग इन फॉर द hardly 2 minutes of sexual pleasure, right? And the adolescent boys should respect the bodily autonomy, self-worth, self-dignity, privacy of the woman. They should not violate it. Thank you everyone for watching. I hope that you have got the clarity what Calcutta High Court has observed, right? Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Sri Ram.